हेलो ट्रेडर्स, क्या आप इंडिया विक्स के बारे में जानते हैं? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो प्रीमियम फ्लक्चुएशन कैसा होता है वो जानना जरूरी है। इसके बारे में आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। इंडिया विक्स वोलेटाइल इंडेक्स को बोलता है, फियर फैक्टर को बोलता है। आप जानते हैं जब फियर बढ़ जाता है तो प्रीमियम बढ़ जाता है। इंश्योरेंस में भी वही कहानी है। जब भी कोरोना आया था फियर बढ़ गया था, इंश्योरेंस डबल हो गया था। सो इंडिया का फियर फैक्टर इंडिया विक्स होता है, अमेरिका का फियर फैक्टर अमेरिकन विक्स होता है। सो विक्स से फ्लक्चुएशन होता है प्रीमियम में, प्रीमियम काउंट होता है, प्रीमियम ऊपर नीचे होता है। सो बहुत सारे ग्रीक्स है, जब आप डिटेल में देखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स, तो बहुत सारे पैरामीटर से ऑप्शन ब्लैक एंड स्कोल मॉडल के थ्रू कैसे प्रीमियम कैलकुलेट होता है। पर दो तरह का डीके होता है। एक डीके होता है टाइम डीके, जो कंटिन्यूअसली आपको जेब से पैसा जाता रहता है, एवरी डे एवरी टाइम कंटिन्यू विद सम डीके, ठीक है। सो वो तो डीके होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे प्रीमियम इरोजन हो जाता है, प्रीमियम घट जाता है। वो क्यों होता है, उसके लिए हमने एक केस स्टडी बनाया और आज देखेंगे मिस्टर विवेक एंड विजय, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसडीआरए के हैं, तो उनको एक वॉलंटियरली एक टास्क लिए थे उन्होंने, लाइव अकाउंट, राइट। सो उसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, एक घंटे का वीडियो है, आप उसको पूरा आराम से देखेंगे। बहुत सारे इफ्स एंड बट है, बट रियली हमने डिसाइड किया कि 9/24/22/24 के आसपास हम स्ट्रेडल स्ट्रेंगल और डिफरेंट हेज के साथ एंट्री करेंगे ऑन बजट डे। बजट डे को क्यों हमने चुना, कि बजट डे में फियर फैक्टर बढ़ गया था, इंडिया का वोलेटाइल इंडेक्स बढ़ गया था। तो बढ़ गया तो क्या हुआ था, प्रीमियम को बढ़ा दिया था, बट वहां पे अनसर्टेनिटी था, बहुत सारे फ्लक्चुएशन होने का चांसेस भी था। सो वी डिसाइडेड एंड दे हैव मेंशनड इन दिस वीडियो, मेंशन किया गया है कि हम इतने बजे एंट्री करते हैं और 3:10 में एग्जिट करेंगे। और थ्रू आउट द डे 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का गिरावट हुआ और भिक्स बढ़ा था। एंड ऑफ द सेशन भिक्स 20% गिरा। आप मुझे बताओ, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरना और भिक्स 20 पॉइंट गिरना, कैसे बचाव किया? और एंड ऑफ द सेशन अराउंड 3:10 जब हम एग्जिट किए, अराउंड 4 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ था। ऑफ कोर्स सवा लाख लगता है, बट हमने 1.5 लाख का फंड रखा है। सो एंड ऑफ द सेशन अराउंड 3.6% ग्रोथ में वी कंक्लूड आवर ट्रेड्स। मजेदार बात है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि टाइम डीके होता है, बट ये विक्स से भेगा का क्या कंक्लूजन है, भेगा कैसे डिफाइन करता है प्रीमियम इरोजन को या बढ़ जाता है, ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपका जानना जरूरी है। तो आइए सुनिए मिस्टर विवेक एंड विजय, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसडीआरए है, उन्हीं के प्रैक्टिकली केस स्टडी ऑन लाइव अकाउंट ऑन लाइव ट्रेडिंग। लेट्स मूव बैक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो है वो बजट डे है, बड़ा दिन है, इवेंटफुल है, थोड़ा सा नहीं बोल सकते, बड़ा इवेंटफुल डे है ऐसा, जो ईयर में एक बार आता है। तो आज हम कुछ एल्गो को थोड़ा सा हट के यूज कर रहे हैं, जो कि रूटीन डेली कैसा एल्गो अपने एंड से चलता है, बट आज हम, मैं विजय सुंदेशा एंड मेरे साथ है मिस्टर विवेक कुमार सैनी ऑन बिहाफ ऑफ एसडीआरए। तो हम आज कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हमने एक स्ट्रेडल लगाया है एटीएम 52-400 का, अराउंड 9:24 का इसका एंट्री था, और हम कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह का कर रहे हैं कि जो रूटीन टाइम से हटके थोड़ा सा ये चलेगा आज, कि इसको हम कुछ भी जो एल्गो के थ्रू चलता है उसको उस तरह से ना चल के देखते हैं कि आज का जो इवेंट है उसमें जनरली बड़े स्पाइक्स वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, ऐसा है। तो देखते हैं कि अगर कुछ भी बिना कुछ सोचे भी अगर हम एटीएम का लेके चलते हैं तो क्या रहता है एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारा तो ये एक्सपेरिमेंट का पर्पस और बहुत सारी चीज़ें हुए, क्योंकि वीक्स बढ़ा हुआ है, तो आप देखेंगे एटीएम का प्रीमियम भी देखो काफ़ी है, अराउंड 500 का एटीएम का चल रहा है एलटीपी अभी, पर हमारा एग्जिट टाइम रहेगा इसमें 3:10 पे, हम हमारे एंड से काटेंगे, तो उस टाइम तक देखते हैं क्या होगा इसमें ऐसा। एंड वी हैव वन मोर स्ट्रैंगल 52-200 एंड 52-400 का भी है, उसको भी देखेंगे अपन। सो हम
तीन स्ट्रेटजीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज के लिए, आपको सारा चीजें हम अपग्रेड करेंगे। थैंक यू। समय हो चुका है 10:51 हो चुके हैं और जैसा कि अगर हम देखें मार्केट जो है 9:40 के बाद से साइडवेज एक ही जोन में चल रहा है बैंक निफ्टी, और विक्स की अगर हम बात करें तो विक्स जो है अभी देखो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है वापस से। अभी 11 बजे जैसे ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट सुनाना चालू करेंगे तब मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है हमको कि भी विक्स और ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो, तब हम देखेंगे कि हमारा जो स्टॉक्स है मीन्स जो हमने ट्रेड लिए हैं जो अल्गोज में वो किस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं और स्टॉक्स में मूवमेंट्स आएंगे काफ़ी सारे, तो आप वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं साथ साथ में। जैसा कि अगर हम देखें हमने स्ट्रैडल लिया था 52,400 का और अभी हमारी स्ट्राइक से अभी मार्केट जो है करीब करीब 150 पॉइंट नीचे चल रहा है, तो भी अगर हम देखें तो अभी भी हमारा सिर्फ 0.44% के अराउंड अराउंड ही नेगेटिव में चल रहा है। और दूसरा एक था हमारा स्ट्रेंगल लिया हुआ था, स्ट्रेंगल जो था वो अभी इस टू पैनल के आसपास ही चल रहा है, 0.2% माइनस नेगेटिव चल रहा है। और जो एक हैजिंग करके हमने स्ट्रेंगल लगाया था उसका 0.4% के करीब करीब अभी नेगेटिव हम देख पा रहे हैं, मीन्स इन टोटलिटी 400,000 के ऊपर अगर हम देखें तो 0.3% के आसपास ही अभी नेगेटिव चल रहा है। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वॉलेटिलिटी फियर इंडेक्स, तो फियर इंडेक्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फियर बढ़ेगा तो प्रीमियम पे क्या इफेक्ट आता है, तो वो एक बार हम देखते हैं इधर, तो उसका मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ एक OI चार्ट से, एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से कि जैसे जैसे फियर बढ़ेगा जैसे हम देख पाएंगे कि भी जैसे जैसे फियर इंक्रीज होगा तो क्या होगा ऑप्शन का जो प्रीमियम्स है प्रीमियम्स सारे बढ़ने लगेंगे ऐसा है, तो प्रीमियम्स जब हम हमारे बढ़ेंगे तो ऑप्शन सेलर्स को क्या होगा उस टाइम पे लॉस हो रहा होगा ऐसा, तो हम लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी जब कुछ भी अनाउंसमेंट्स होंगे उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो अनाउंसमेंट जब बजट पूरा हो जाएगा उसके बाद प्रीमियम जो है फिर वापस से डिक्रीज भी होंगे, तो हम हमारा जो टारगेट है कि हम 3:10 तक निकाल रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तब तक वापस से प्रीमियम का जो है एक रेंज जाके वापस ऊपर जाके वापस से अपनी सेम लेवल पर वापस आए, तब तक क्या हम उतना टाइम टेक खा पाएंगे उतना। तो जैसा कि अगर देखें OI का चार्ट एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी एक बार खोल देता हूँ, टाइम लग रहा है इसमें। जी हाँ, तो ये खुल चुका है। अभी हम देखेंगे जैसे 52,400 का, तो 52,400 का कॉल साइड पे अगर हम देख रहे हैं तो LTPs अभी 446 की चल रही है और पुट साइड पे अगर हम देखें 600 के अराउंड अराउंड अभी चल रहा है, और अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो दोनों ही साइड मीन्स शॉर्ट बिल्डअप बने हुए, मीन्स अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ चुकी है इसमें हम देख सकते हैं ये चीज़ की, मीन्स दोनों साइड ही शॉर्ट करके रखा है, मीन्स पुट साइड भी शॉर्ट सेल करके बैठे हैं और कॉल साइड भी सेल करके बैठे हैं दोनों सेलर्स हैं, तो मीन्स इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो है अभी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो रही है या होने जा रही है, अभी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है अभी, तो आइए हम देखते हैं साथ में कि पुट कॉल रेशियो का भी इसके साथ क्या इम्पैक्ट चल रहा है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें पुट कॉल रेशियो का बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ, तो पुट कॉल रेशियो भी 0.6 के आसपास चल रहा है, मीन्स यहाँ भी अनसर्टिनिटी हम देख सकते हैं, पुट कॉल रेशियो जो है वो साइड में चल रहा है, मीन्स कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं बन पा रहा है रिटेलर्स के अंदर कि भी कहाँ मार्केट को लेके जाया जाए, और मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि अभी जैसे ही अनाउंसमेंट्स होंगे तब काफ़ी फास्ट फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, तो उस टाइम साथ में देखिए कि हमारे अल्गोस में मीन्स किस तरह के फ्लक्चुएशंस आते हैं, बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती है तो कहाँ तक पोटेंशियल कहाँ तक रहता है कि मीन्स मैक्सिमम लॉस भी जा रहा है तो नेगेटिव कहाँ तक जाएगा हमारा स्ट्रैडल और स्ट्रेंगल भी कहाँ तक जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। अभी कुछ मिनटों में ही अनाउंसमेंट्स चालू होंगे तो हम वापस आपके साथ जुड़ेंगे उस समय। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं 11:01 हो गया, तो बजट अभी स्टार्ट होने ही जा रहा है, और अभी हम जैसे देख रहे थे कुछ देर पहले तो हमारा जो था अल्गोस वो अभी -0.33% चल रहा था, तो नो पीएनएल के आसपास अभी हम पहुँच चुके हैं और मार्केट भी यहाँ से बुलिश मूव देना चालू कर दिया है, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्पाइक आ रही है और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की स्पाइक आ चुकी है बैंक निफ्टी में। अभी जस्ट बजट शुरू होने वाला है, बस अभी अराउंड 11:00 हो चुके हैं, अभी कुछ ही मिनट में बजट शुरू होगा, बट उसके जो इफेक्ट्स है वो मार्केट में आप देख सकते हैं। देखिए अभी और तो अभी हम डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे
टोटल BNL में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, स्ट्रैडल में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो स्टे ट्यून्ड, कंटिन्यू रखते हैं हम, साथ में बजट भी हम सुनते रहेंगे इसमें कि क्या चल रहा है बजट में, क्या क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं। संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहाँ की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग के माध्यम से पहले सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर बजट सुनाने जा रहे हैं, तो आप भी कंटिन्यू रखिएगा, सुनते हैं अपने साथ में और देखते हैं कि मार्केट में लाइव क्या फ्लक्चुएशन आते हैं और कहां तक स्ट्रेडल की पोजीशन में कहां तक कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट जा सकती है। इंडिया विक्स को भी हम ध्यान में रखेंगे, वोलेटिलिटी जो फियर फैक्टर वहां से अपने को पता चलेगा, सारी चीजें देख सकते हैं। तो बीच बीच में हम इंडिया विक्स का भी चार्ट खोलते रहेंगे साथ ही साथ, जो देखते रहिए। बजट के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विक्स में अगर विक्स गिरता है उसके बाद तो अपने को उसमें एलटीपी अच्छा खासा डीके मिलेगा सारी चीजें। And re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks. साथ ही मैं बीच बीच में आपको ये भी दिखाता रहूंगा कि अभी सेक्टर्स में कहाँ क्या मूवमेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स कहाँ चल रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि जब कुछ भी अनाउंसमेंट्स होता है तो कहाँ कितना तेज फ्लक्चुएशन आते हैं मार्केट में बजट अनाउंसमेंट्स के टाइम। तो साथ ही मैं देखते रहिएगा। Currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on four major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. The poor, women, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over cost. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years. Benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package
of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexion. जैसा कि अभी हम देख सकते हैं स्पाइक आना स्टार्ट हो चुकी है, अनाउंसमेंट जैसी बजट अनाउंसमेंट स्टार्ट हो रहा है, स्पाइकें आ रही हैं। और अगर हमारे टोटल एल्बोज में देखेंगे तो भी अभी स्ट्रेडल में भी मेंटेन कर रखा है नो पेनल के अराउंड अराउंड, ये चीज हम देख सकते हैं। साथ में we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Viksit Bharat in line with the strategy set out in the interim budget. This budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. PNL किस तरह से changes options are 600 plus जा चुका है, 300 to 700 काफी fast jump आ रहा है। स्ट्रेंगल में भी ऑलमोस्ट प्लस आ चुका है, ये वाला स्ट्रेंगल जो है इसके साथ किया था हमने वो वाला भी ऑलमोस्ट प्लस में आ गया है। सो स्टेडियम विल वॉच द बजट विद स्ट्रेट्स थैंक यू। आई विल स्पीक लेटर इन द स्पीच। दिस बजट डिटेल्स सम ऑफ द स्पेसिफिक एक्शंस टू बी इनिशिएटेड इन द करंट ईयर towards fulfillment of these priorities with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Viksit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the research, agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high yielding and climate resilient varieties. जैसा कि अभी हम देख सकते हैं लोअर साइड बियरिश साइड एक स्पाइक आ रही है अराउंड 88 पॉइंट्स की, अभी हम देख पा रहे हैं। तो इसी तरह का एक स्पाइकिंग स्पाइक वाले मूवमेंट्स ही हम देख पाएंगे आज बजट के दिन में। तो साथ ही साथ हम देखते रहेंगे, ट्रैक करेंगे कि अल्गोज में किस तरह का मूवमेंट आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फो। इंप्लीमेंटेशन विल बी थ्रू साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड विलिंग ग्राम पंचायत्स। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। Missions for pulses and oil seeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oil seeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve. अभी जैसे seeds and all ये सारी चीजें पे खाने वाने की चीजों पे कहीं बताया गया था, तो इसी सेक्टर हम देख सकते हैं कि इसमें काफी बड़ा मूव आया है और बाकी सेक्टर में भी हलचल आने स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात की जाएगी। तो हम देखते रहेंगे साथ साथ में। विल बी डेवलप्ड क्लोजर टू मेजर कंजम्पशन सेंटर्स।
We will promote farmer producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. एल्गो में प्रॉफिट धीरे धीरे आप देख पाएंगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखिए अराउंड उस टाइम पहले जो -6% था वहां से लेके अभी प्लस अराउंड 800 अराउंड 0.21% प्लस में आ रहा है। दिया सर फार्मिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। आवर गवर्नमेंट विल ब्रिंग आउट अ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. अभी जैसा बताया गया कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बजट अनाउंसमेंट हुआ है। हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर से जो जो इम्पैक्ट होंगे सेक्टर्स में, एफएमसीजी सेक्टर इम्पैक्ट होगा तो उसमें काफी अच्छा मूवमेंट आया है। थैंक यू। एल्गो भी 1000 का मार्क पार कर चुका है, 1000 का प्रॉफिट पार कर चुका है, अराउंड 1100 पे चल रहा है, अभी वहीं सस्टेन कर रहा है। अभी देखते आगे कैसे क्या परफॉर्म करता है बजट के साथ में। सारी स्ट्रेटजी प्लस में अराउंड 0.4% 0.3% एंड 0.15% अभी चल रही है। वन मंथ वेज टू ऑल पर्संस न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youths entering employment and their employers. जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि अभी एक बड़ी स्पाइक आई है 150 पॉइंट की लोअर साइड पे बेयर साइड पे, साथ में मार्केट में क्या हलचल हुआ है। अल्गोज जो है अराउंड 0.4% के आसपास प्रॉफिट दे चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेंटेन फिर भी किया हुआ है इसने। काफी बड़ी स्पाइक आ रही है, काफी बड़ी बड़ी स्पाइक आ रही है, अभी 200 पॉइंट 300 पॉइंट की स्पाइक हो चुकी है। अल्गोज अगर हम देखें तो यहाँ पे पीएनएल, टोटल पीएनएल हम देख सकते हैं 500 पॉइंट की स्पाइक आई है अल्गोज में। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिएगा किस तरह का रहा है। 500 प्लस अराउंड स्पाइक्स, काफी बड़ी स्पाइक्स आ रही है।
550 प्लस काफी बड़ी स्पाइक है, ऑलमोस्ट 1% की स्पाइक है, तो काफी बड़ा मूवमेंट है ये। तो साथ ही साथ अल्गो को हम देख सकते हैं कि 0.81% 1.1% के आसपास जाके आया, लेकिन देखो काफी फास्ट वो रिकवर भी कर रहा है, तो ये चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि देखें अभी ये काफी बड़ी स्पाइक आई थी, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर आ गया है, तो हमारे अल्गोस भी टोटल जो है नो पैनल के आसपास 550 के आसपास 3-4000 माइनस में जाके फिर वापस आया, 1% लोअर गया था, उसके बाद वापस से पूरा रिकवर करके वापस आ गया अल्गोस। स्ट्रेंथ 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर अ 5 ईयर पीरियड। Industry training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans for helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies. I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers. For this purpose, e-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan Purvodaya for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Viksit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also
also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, Expressway, 2. Boxer Bagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Other projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Birpaiti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा अभी जितना नेगेटिव में गया था 4,000 अभी वापस से प्लस 1,200 रुपये के आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा है, तो भी अभी सेल रहा है Recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. And its farmers. This will facilitate our country's food security as well. साथ साथ में थोड़ा आपको नॉइस भी आ रहा होगा, ये क्या थोड़ा क्या राज्यसभा में भी सब अलग अलग मिनिस्टर्स थोड़ा इधर उधर भी चिल्लाते रहते हैं, तो उसको थोड़ा नजरअंदाज करना, खाली फाइनेंस मिनिस्टर की बात ही आप सुने हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है अभी 1700 से पार 1800 के आसपास पहुंच चुका है 0.45%, तो जो काफी अच्छा एक मूवमेंट आया है, उसके बाद भी हम काफी बढ़िया प्लस में चल रहे हैं, तो देखते रहिएगा। Additional houses under the PM Awas Yojana rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, सेक्टर्स से अगर हम देखें तो सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो सबसे डाउन चल रहा है, मेटल डाउन चल रहा है, सीपीएसई एनर्जी सेक्टर डाउन चल रहा है, टॉप पे जो चल रहे हैं वो एफएमसी चल रहा है, फिर बाद में ग्रोथ सेक्टर, ऑटो, रियल एस्टेट, कंज्यूमशन। वुमेन्स ग्रो रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज वी विल लॉन्च द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान बाय अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स. This will cover 63,000 villages, 3 crore tribal people. Bank branches in northeastern region, more than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. 4. Manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I'm happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without. जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 2000 के मार्क को पार कर चुका है. ओवरऑल पीएनएल की बात करें अगर अपन तो 0.5% क्रॉस कर चुका है, अराउंड 0.5-0.6%. 2200 प्लस स्टिल गोइंग ऑन. 2100 स्ट्रेटजी वाइज देखें अपन तो दिस इज अराउंड 400 प्लस 0.28% इन प्रॉफिट. इस स्ट्रेटजी की बात करें तो ये 0.5% को क्रॉस कर चुकी है और इसमें अराउंड 0.73% का प्रॉफिट हो रहा है अपने को. जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ठीक ठाक गेन हमें और डीके मिलने के चांसेस हैं. SMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TReDS platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSEs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises
will also be included in the scope of the suppliers. SIDBI branches in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for full irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up. जैसा कि हम देख सकते हैं अभी 2000 का मार्क अभी इसने जस्ट अभी क्रॉस किया था, तो आप उसे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब्स विल एनएबीएल एक्रेडिटेशन विल बी फैसिलिटेटेड। ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स टू एनेबल एमएसएमईज एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स। E-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. चलो अभी देखते हैं कि मार्केट का व्यू किस तरफ है, पार्टिसिपेंट्स कहां ज्यादा बैठे हैं, पार्टिसिपेंट्स किस डायरेक्शन में ज्यादा बैठे हैं। तो अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम भी 5200 के अराउंड चल रहा है और LTPs है वो बराबर से ही चल रहे हैं 450 और 500 के आसपास, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 30 points का डिफरेंस है। और दोनों ही तरफ अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है, दोनों साइड ही शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कोई वन डायरेक्शन मूव अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पुट कॉल रेशियो भी जैसा कि आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले 0.6 के आसपास ही था, अभी भी लिंक पे ही चल रहा है पुट कॉल रेशियो, मीन्स नो PNL के आसपास ही, मीन्स बैंक निफ्टी मार्केट को देख सकते हैं कि वहीं पे घूम रहा है अभी, अभी काफ़ी मूवमेंट भी आ रहे हैं इधर, लेकिन एक्सपेक्टेड है बड़े लेवल पे। अगर हम देखें, अगर OI चार्ट को अगर हम देखते हैं तो किस साइड कॉल सेलर से किस साइड पुट सेलर से, तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा कि 52500 का अगर मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ से कॉल OI और पुट OI की बात अगर हम करें तो कॉल सेलर ज़्यादा दिख रहे हैं, बेरिश प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है आज के लिए, आज की मार्केट में करंट एक्सपायरी के लिए, तो वो भी एक पॉइंट है ध्यान रखने का। और बात करें अगर हम पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो जो है अभी भी 0.6 के आसपास ही है, इतना मार्केट में हलचल आया था तब है ना, पुट कॉल रेशियो में थोड़ा मूवमेंट आया था, बुलिश की तरफ गया था, फिर वापस से वो सडन स्पाइक में वापस से नीचे आ गया और अभी वहीं पे 0.6 के आसपास सस्टेन कर रहा है। एंड इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स जो है अभी भी वहीं पे साइडवेज ही चल रहा है, इतना ज़्यादा फियर फैक्टर नहीं दिख रहा है। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जितना फियर फैक्टर आना था वो ऑलरेडी 4th of June को हम देख चुके थे जब सरकार का रिजल्ट आया था, लोकसभा का रिजल्ट जब थे 4th of June 2024 को, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उस वजह से इतना ज़्यादा फियर नहीं है रिटेलर्स में। सो लेट्स कंटिन्यू। Dormitory type accommodation for industrial workers will be rental housing. I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry. Ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building
on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery and urban governance. Integrated technology platform for IPC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code, for achieving consistency, transparency, timely processing and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority. देख सकते हैं अभी मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कहाँ किस तरफ को जाने वाला है, एक ही रेंज में अभी तक है। कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं जो कि न्यूज बेस है, मतलब कि किस सेक्टर पे एफएम बोल रहे हैं उसके बेस पे हो रहे हैं सारी चीजें। 1500 प्लस अपना स्टिल गोइंग ऑन है प्रॉफिट। Be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for it. Strategy wise देखे तो one profit 315, this strategy in 0.5 plus 0.48% profit, इसकी बात करें तो ये 0.60 plus profit margin हुई है। देखते हैं बजट के साथ किस तरह का रिएक्ट करता है मार्केट और जो थिंग्स चल रही है वो कैसे काम करती है। Provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put
in place, water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also elicit use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hubs or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential. ओके गाइज, अभी हम जैसा देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो चुका है और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं बजट चालू हुए हुए, तो अभी हम यहीं पे पॉज रखते हैं, वापस से आपके साथ कनेक्ट करेंगे जैसे ही अगर कोई मार्केट में अलग फ्लक्चुएशंस आते हैं तो. दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू ऑन मून अराउंड 3 o'clock. थैंक यू. सो टुडे नाउ टाइम इज 12:30 o'clock. अभी हम देख सकते हैं इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, शार्क मूव आ गया मार्केट में, ऑलमोस्ट कितना 1% जितना और मूव आया, उसके बावजूद हमारे एल्गोज अभी भी -0.3% के करीब करीब ही हैं. मीन्स इट्स बिग अचीवमेंट फॉर अस कि इतना होने के बाद भी मीन्स स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल जो है झेल सकते हैं मार्केट के इतने बड़े मूवमेंट्स को भी. मीन्स हमारा स्ट्रेडल जो लगा था सुबह लगा था 400 पे था और उससे वो लो बना के आया यहाँ पे 50 to 600 के करीब करीब. अभी वापस से मार्केट घूम रहा है तो उसका हम देख सकते हैं. लॉस भी कम हो रहा है अकॉर्डिंगली, 1700 से लेकर अराउंड 1000 तक आ चुका है. जी बिल्कुल. लॉस काफी कम हो गया है, अराउंड 500 पे आ चुका है. So that's it for now. Thank you. हो गए हैं 12:36 हो गए और अभी हम देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही नेगेटिव में था और अभी वापस से मार्केट एक स्पाइक लाया. अभी 12:30 300 points की बुलिश स्पाइक थी, उसके बाद वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया, तो हमारा अल्गोज में अराउंड 2500 के करीब करीब प्रॉफिट पहुँच चुका था. और जैसे कि हम देख सकते हैं स्ट्रेडल है वहाँ पर 9 PNL के आसपास चल रहा है, स्ट्रेंगल में अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है एंड नेक्स्ट जो स्ट्रेंगल है उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है. हम देख सकते हैं कि स्ट्रेंगल जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है एज कम्पेरेटिवली टू स्ट्रेडल ऐसे मूवमेंट वाले मार्केट में. अभी हम 0.8% के आसपास हम पहुँच चुके हैं, 1% के आसपास का मार्क अभी टच करने वाला है, टच कर चुका है, क्रॉस कर दिया 1% का मार्क. जैसे ही मार्केट थोड़ी रिकवरी देता है ये प्रॉफिट और बढ़ेगा अभी. और ये यहीं पे सस्टेन, अगर यहीं पे भी सस्टेन कर जाते हैं तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है ये मार्केट सिनेरियोस. तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू. तो अभी 10 मिनट बीत चुके हैं, 12:46 हो गए और अभी हम जैसा देख सकते हैं कि एल्गोस में काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिख रहा है हमको, 2.25% 2% के करीब करीब प्रॉफिट पहुँच चुका है. स्ट्रेडल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 0.25% प्रॉफिट चल रहा है. स्ट्रेंगल की बात करेंगे तो 2.25% और हेजिंग वाला स्ट्रेंगल है उसमें और भी शानदार 3.25% के करीब करीब हमको प्रॉफिट देखने मिल रहा है. मीन्स इन टोटलिटी 400,000 के ऊपर अभी हम 2% प्रॉफिट में चल रहे हैं. साथ ही में चलो थोड़ा विक्स देख लेते हैं कि विक्स का मूवमेंट कैसा आ रहा. तो विक्स जैसा कि हम देखेंगे तो डीके हमको विक्स की वजह से ही मिल रहा है. जैसा कि हम देख सकते हैं कि 12:25 पे विक्स शार्पली फॉल होना स्टार्ट हुआ, तो जैसे जैसे विक्स गिरता जाएगा यहाँ पे हमको डीके और ज़्यादा मिलता रहेगा. तो स्टे ट्यून्ड. अभी जैसे कि एक बच चुके हैं और अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो 2.5% के आसपास ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है हमारा. स्ट्रेडल की बात करेंगे तो स्ट्रेडल हमारा 0.2% के करीब करीब प्रॉफिट दे रहा है.
स्ट्रैंगल जो है वो काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे 2.5%, एंड हेज के साथ स्ट्रैंगल था उसमें 3.5% के करीब करीब हम प्रॉफिट देख रहे हैं। और विक्स की बात करें तो आज विक्स काफ़ी शार्पली फॉल हो रहा है, तो इसमें मीन्स हमको काफ़ी अच्छा खासा डीके मिला होगा यहाँ पे, तो ये भी साथ में हम ट्रैक करते रहेंगे। विक्स को भी देखेंगे, मार्केट को भी देखेंगे और हमारी पोजीशंस किस तरह से रिएक्ट करती है मार्केट फ्लक्चुएशंस पे वो भी देखेंगे। थैंक यू। दोपहर के 1:29 हो गए हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो लोअर स्पाइक आई थी तो इसमें लोएस्ट पॉइंट पे जो गया था तो हमारा पोर्टफोलियो था वो -3,000 के करीब 3,500 के करीब गया था, और अभी जैसे ही वापस से मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया है तो हमारा स्टॉक जो है 6,000 के आसपास वापस प्लस में आ गया है। और अभी डेढ़ बज रहा है तो मीन सभी देख सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट, लंदन मार्केट अभी ओपन हुए होंगे, तो उस बेसिस पे भी थोड़ी मूवमेंट हमारे मार्केट में भी आई होगी उसकी, तो देख सकते हैं आप कि स्ट्रैडल है वो भी अभी थोड़ा बहुत प्लस में है, स्ट्रैंगल है वो भी अच्छा खासा प्लस में है, एंड दिस वन स्ट्रैंगल विथ एज वो भी अच्छा खासा प्लस में है, एंड एज यू कैन सी विक्स को अगर हम देखें, विक्स में एक बार दिखा देता हूँ विक्स देखें इंडिया विक्स कैसे चल रहा है, तो विक्स में काफ़ी शार्प फॉल्स आए जा रहे हैं बार बार, तो ये सेलर्स के लिए प्लस पॉइंट है काफ़ी, क्योंकि विक्स जैसे जैसे गिरेगा हमको डीके तभी मिलेगा ऐसा। और आज फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड हम बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और परसों जो है वो मंथ एक्सपायरी है ट्रस्ट को, तो इस बेसिस पर भी मूवमेंट हम देख रहे हैं और डीके भी मिल रहा है, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। आफ्टरनून एवरीवन, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2:00, अभी हमारे टारगेट टाइम से अभी भी हम 1 घंटा दूर हैं और मार्केट अभी वापस से हमारा स्टॉक्स अल्गोज में जैसा हम देख पा रहे हैं तो 2.5% वापस हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जब 51,350 के अराउंड जब पहुँचा था, आज का लो बनाया था, तब हमारे अल्गोज में -3,500 के आसपास पहुंच चुका था, उसके बाद अभी वापस से मार्केट रिकवर कर रहा है, तो काफ़ी शार्प रिकवरी दिखाई है हमारे अल्गोज में। तो जैसे कि स्ट्रैडल देख सकते हैं, स्ट्रैडल का जैसे अभी 52,400 का है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस LDBs पहुंच चुका था 1100 के आसपास मैंने देखा था, जब ये लो पॉइंट पर गया था लोएस्ट पॉइंट में, और उस टाइम पर हम नेगेटिव में थे इस जगह पर, और स्ट्रैंगल की बात करें तो वो भी नेगेटिव में जा चुका था उस टाइम, जो अभी एट प्रेजेंट 3% प्रॉफिट चल रहा है, एंड हेज के साथ जो स्ट्रैंगल में लगाया वो 4% के करीब करीब प्रॉफिट अभी दे रहा है। इन टोटलिटी इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो 10,500 के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, जो 3% है 4,00,000 के। एंड अगर विक्स की अगर हम बात करें तो विक्स हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउनफॉल में ही जा रहा है, उसको भी हम ऑब्जर्व रखेंगे साथ में। मार्केट का थोड़ा सा ही शार्प मूव ऊपर की तरफ हल्का सा ही मूव आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 30 पॉइंट्स का ही मूव आया, तो इसमें TNL में हमारा काफ़ी 500-600 का प्रॉफिट इधर दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा मूव हम देख पा रहे हैं आज के एक्सपेरिमेंट में। सो लेट्स कंटिन्यू, अभी देखते हैं 3:00 देखेंगे वापस से जब ट्रेड काटना होगा उससे 10 मिनट पहले। थैंक यू। 3:05 हो चुके हैं, अभी 5 मिनट में हम ट्रेड्स कट करेंगे। जैसा कि हम अभी देख सकते हैं मार्केट जो है अभी 51,800 में चल रहा है एट द मनी पे, और हमारा जो अल्गोज का जो पोर्टफोलियो है अभी वो आ चुका है करीब करीब 4% प्रॉफिट में, मीन्स काफ़ी अच्छा हमको प्रॉफिट आज हुआ है, आज के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट्स मिले हैं। जो हमने स्ट्रैडल लगाया था सुबह कॉल साइड का हमने लिया था स्ट्राइक 486 का, सेल किया था हमने 52,400 का कॉल, एंड पुट साइड का 52,400 हमने सेल किया था 520 रुपीज की LTV पे, जो अभी हो गया है 70 and 672 रिस्पेक्टिवली, तो अभी इनमें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट चल रहा है, अभी देख सकते हैं 2.7% के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। उसी तरह से स्ट्रैंगल हमने लगाया था शॉर्ट स्ट्रैंगल, उसमें अभी 3.5% के करीब करीब प्रॉफिट चल रहा है, और हेज के साथ हमने जो स्ट्रैंगल लगाया था वो अभी 5% के करीब करीब हमको प्रॉफिट दे रहा है। इन टोटलिटी अभी हमारा 3.5% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है, मोर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें पास देखने को मिले हैं, इवन दो आज बजट की वजह से काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस थे। जैसा कि अगर आप देखें सुबह जब हमने ट्रेड लिया था एट 9:21 तब मार्केट था 52,400 के आसपास का था, जब हमारा फर्स्ट ट्रैक
स्ट्रेट अलॉन्ग लिया था 52,400 और अभी मार्केट है अराउंड 600-640 पॉइंट्स नीचे, 640 पॉइंट्स नीचे अभी चल रहा है और बीच में जाके आया था ये 1000 पॉइंट्स अराउंड नीचे जाके आया। मीन्स इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं, लर्निंग्स ये ले सकते हैं कि 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट भी आ जाता है तो भी स्ट्रेडल जो है वो बैंक निफ्टी में झेल लेता है, शॉर्ट स्ट्रेडल इतने बड़े मूवमेंट आने के बाद भी 1000 पॉइंट्स नीचे आया, उसके बाद वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आके 600 पॉइंट माइनस में अभी भी है हमारे सुबह के एलटीपी के कंपेयर में, सुबह की स्ट्राइक की जो थी उससे कंपेयर में 600 पॉइंट नीचे है, तो भी हम भी काफ़ी बढ़िया प्लस में है। तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आज का हमारा रहा। अभी सिर्फ आप देख सकते हैं 2 मिनट का समय बाकी रहा है, इसमें अभी हम ट्रेड सारे एग्जिट कर देंगे, एग्जिट ऑल कर देंगे अभी ट्रेड सारे। सो स्टे ट्यून्ड, मिस्टर विजय भी हैं मेरे साथ में अभी, वो भी अपना कुछ इंसाइट्स भी बताना चाहेंगे तो उनसे हम सुनते जरा क्या बताएंगे। मैन हमारा जो आज का था, जैसे कि वो सारा चीज़ें ध्यान में रखते हैं, बजट का दिन था आज, बड़ा मूवमेंट था तो एक्सपेक्ट तो था ही कि मार्केट में मूवमेंट आएगा, वो सारी चीज़ें थी उसको रख के हमने स्टार्टअप और बाकी 2-3 चीज़ें प्लान की थी। ऐसा है एक और जो फैक्टर था अपना जो इंडिया विक्स को ध्यान में रखते हुए कैसा, क्योंकि था कि इंडिया विक्स ऑलरेडी फियर फैक्टर मार्केट में था तो बढ़ चुका था, बट आज अगर इसको अपन वन डे के अंदर में करें इसको, अगर ऊपर से कितना गिरा 50 मिनट्स में करा था, देखिए ऊपर से कितना गिरा है आज, अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे हम अगर तो टॉप से लेके अराउंड 20% फ्रॉम टॉप, तो इसका मतलब क्या है कि अपने को अच्छा डीके मिला, एक्टिव फी अच्छी वाइप आउट हुई है, मतलब ऐसा जो पूरा डीके अच्छा मिला, यही है कि कूल डाउन हो चुका था, जो इफेक्ट्स आने थे बजट वगैरह के जो सारा, तो मार्केट उसको सारा चीज़ें सेटल हो चुकी है आज के दिन के लिए एटलीस्ट, तो जो था वो सब चीज़ें हो चुकी है, इसीलिए अपने को मिला है कि डीके देखने को मिला वो भी है, और क्योंकि एलटीपी काफ़ी बढ़ी हुई थी दोनों साइड्स की ऐसा है, तो उसकी वजह से अराउंड 3.68% काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, एक दिन में 3.65% अच्छा हो गया। अभी अराउंड 30 seconds टू ओवर हम स्टेट में एग्जिट करेंगे आज का जो अपना था वो। हाँ सो गाइस, अभी मैं सारे ट्रेड्स एग्जिट करने जा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली मैं एग्जिट करूँगा यहाँ से सब सारे ट्रेड्स। सो 12 सेकंड्स टू गो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एग्जिट। पहला ट्रेड एग्जिट हो गया, सेकंड ट्रेड exit, third trade exited, live tranching हो रहा है, exit हो जाएगा जी। तो जैसा कि अभी हम देखें तो आज का काफ़ी शानदार हमारा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय SDRA टीम, मीन्स मैं myself विवेक कुमार सैनी एंड मिस्टर विजय सुंदेशा, बोथ आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ SDRA। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिकॉर्डेड ऑन 23rd of July 2024। आज का दिन स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज फाइनल बजट जो था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था इसी साल 2024 में और बीजेपी सरकार आई थी और उन्होंने अभी आज के डेट में फाइनल बजट रिलीज किया उन्होंने, तो आज वॉलीडिलिटी भी थी काफ़ी सारा कुछ हमने आज देखा सुबह की, जैसा हम देख रहे थे कि सुबह सुबह जब मार्केट खुला तो हम 2-3 हज़ार माइनस में चल रहे थे, फिर बाद में लोअर स्पाइक आई थी, जैसे कि अगर मैं अपने यहाँ से चार्ट से वापस लेके चलूँ अगर, तो इस तरह से कुछ था हमारा कि यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तब भी हम 9 PNL के आसपास पहुँच गए थे, यहाँ पे 1100 माइनस में हम थे, फिर धीरे धीरे ऊपर आए तब और थोड़ा 9 PNL की तरफ आए, 400-500 रुपये प्लस में आया, फिर जैसी लोअर स्पाइक आई थी काफ़ी बड़ी सारी स्पाइक आई थी जो ये थी 1% के करीब करीब स्पाइक थी, तो 550 पॉइंट की स्पाइक थी, उसमें हमारा नेगेटिव 4000 तक भी गया था, 4200 तक भी गया था, उसके बाद फिर वापस आया था, वापस कवर हुआ, सस्टेन हुआ थोड़ा, फिर वापस डाउनफॉल गया, ये डाउनफॉल आके वापस से प्लस में जब इधर ये स्पाइक आई थी अपर स्पाइक, तब हमारा पोर्टफोलियो वापस से करीब करीब हम जैसा देख रहे थे कि मैंने एक और वीडियो 1257 पे बनाया था, तो वापस से ऊपर जाके वापस नीचे आया था, तब हमारा पोर्टफोलियो अराउंड 10,000 प्लस चल रहा था, मीन्स 2.5% प्लस हम चल रहे थे उस टाइम पे, फिर वापस से लोअर स्पाइक आई तो फिर वापस से वाइप ऑफ हुआ, हमारा जो प्रॉफिट था वो वापस चला गया था, ऐसा था, तो 10,000 का फिर वापस पूरा नेगेटिव में आया था, जब ये लोएस्ट पॉइंट जो हम
1:10 की अगर बात करें कि जब ये कैंडल लोएस्ट पॉइंट पे गई थी उस समय हमारा पोर्टफोलियो वापस से -3000 गया था, फिर वापस से बढ़ते बढ़ते ये इंक्रीज हुआ, हमारा पोर्टफोलियो वापस हुआ, मार्केट जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर गया, टाइम डीके हमको मिलता रहा। साथ में अगर मैं ये भी देखूँ इंडिया विक्स क्या सा चला, तो इंडिया विक्स को भी अगर साथ साथ में देखते हैं तो इंडिया विक्स कुछ इस तरह से चला था 5 मिनट्स में अगर हम देखें, क्योंकि हम चार्ट 5 मिनट्स में देख रहे थे, तो इंडिया विक्स भी कुछ इसी तरह से चल रहा था। इंडिया विक्स पहले साइडवेज ही चल रहा था, वहीं पे घूमा, फिर बाद में जैसे ही वो शार्प फॉल आया बैंक निफ्टी में, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे 11:15 बजे, तो इंडिया विक्स में उस टाइम पे हलचल कितनी थी, थोड़ी बहुत हलचल थी, ऊपर की तरफ वो गया था स्पाइक में, फिर धीरे धीरे इंडिया विक्स नीचे आया, फिर वापस वॉलेटिलिटी बढ़ी 12:15 बजे के करीब करीब, तो 12:15 बजे मार्केट में हम देखेंगे तो मार्केट में बड़ी सी मूवमेंट आई थी बियरिश साइड, कितनी बड़ी 300 पॉइंट की मूवमेंट आई थी, तो उस टाइम पे विक्स भी बढ़ा था। फिर बाद में वापस से मार्केट जब कूल डाउन हुआ तो विक्स भी कूल डाउन होने लगा, तो मीन्स ये साथ में हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि जैसे जैसे विक्स गिर रहा है हमारा थीटा डीके काफ़ी अच्छा शानदार हमको मिला आज की डेट में। अभी मार्केट जैसे कि हम देखेंगे तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, अभी 51,800 के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली है अभी 15-17 मिनट्स ही बाकी है मार्केट को क्लोज होने में, तो एक्सपेक्टेड है कि तब तक मार्केट आज 51,800 के आसपास ही मीन्स क्लोज हो, क्योंकि अगर OI अगर हम देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं इस एक्सपायरी के लिए, तो देख सकते हैं हम कि आज थोड़ा बियरिश प्रेशर ज़्यादा था, कि कॉल सेलर जो थे 5.83 करोड़ थे और पुट सेलर्स 2.85 करोड़ थे, मीन्स करीब करीब 3 करोड़ कॉल सेलर्स ज़्यादा थे, और पुट कॉल रेशियो जैसा कि हम सुबह देख रहे थे उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो भी मीन्स बियरिश चला गया था जब मार्केट बियरिश जा रहा था, फिर अभी धीरे धीरे करके सस्टेन कर रहा है एक लेवल पे फिर। सो आज का मीन्स हम नेट अगर हम देखते हैं तो नेट हमारा इस तरह से कुछ रहा था, 4 लाख कैपिटल था हमारा, 3 स्ट्रेटजीज थी, एक स्ट्रैडल था, एक स्ट्रैंगल था और तीसरा भी स्ट्रैंगल था, लेकिन तीसरे स्ट्रैंगल में हमने हेज कर रखा था विथ बाइंग लेग, इस तरह का हमारा एक था। स्ट्रैंगल जो थे हमने 921 को एंट्री किए थे और स्ट्रैडल जो थे हम 924 को लिए थे, और 3:10 पे हमने तीनों स्ट्रेटजीज को एग्जिट कर दिया। सो दैट वॉज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।